नमस्कार, मैं हूं दीपांशी बोइत्रा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की जिस टीम पर नक्सलियों ने हमला किया था, वो नक्सलियों के कमांडर हिडमा की तलाश में जंगल में गई। हिडमा के नाम मिलने के बाद टीम जब वापस आ रही थी, तब घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस गुनहगार के लिए ये टीम गई थी, वो अभी भी पकड़ से बाहर। इस हमले के पीछे हिडमा का हाथ माना जा रहा। नक्सलियों के इस कमांडर के लिए कहा जाता है कि हिडमा पहले भी कई निर्मम हत्याओं में शामिल रहा। अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन है नक्सली कमांडर हिडमा। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको हिडमा की पूरी कुंडली के बारे में बताएंगे। कौन है हिडमा? सबसे पहले आपको ये बता दें कि हिडमा को नक्सलियों का सबसे टॉप का कमांडर माना जाता है। 40 साल का हिडमा सुकमा जिले के पुवारती गांव का रहने वाला है। बताया जाता है कि हिडमा ने 90 के दशक में नक्सली हिंसा का रास्ता चुना था। तब से लेकर अब तक हिडमा कई निर्दोष लोगों की जान ले चुका है। हिडमा माओवादियों के गुरिल्ला आर्मी की बटालियन 1 का हेड भी है और गुरिल्ला हमले में माहिर माना जाता। हिडमा माओवादियों की 21 सदस्य सेंट्रल कमिटी का भी सदस्य है। छुप कर रहता है हिडमा। नक्सलियों के कमांडर होने के चलते हिडमा की सुरक्षा भी किसी से कम नहीं होती, या ये कह सकते हैं कि उसे ढूंढना नामुमकिन। गुरिल्ला युद्ध में पारंगत हिडमा हमेशा छिप कर रहता, यहाँ तक कि उसकी बटालियन के भी लोग उसका चेहरा नहीं पहचानते। यही वजह है कि पिछले कई सालों से हिडमा की कोई तस्वीर सुरक्षा बलों के पास नहीं। हिडमा के पास खतरनाक हथियारों का भी पूरा जखीरा मौजूद है। बताया जाता है कि हिडमा के पास AK-47 जैसे खतरनाक और आधुनिक हथियार। अगर हम आपको हिडमा की टीम के बारे में बताएं, तो बताया जाता है कि हिडमा की टीम में कुल मिलाकर 180 से 250 नक्सली मौजूद, जो सभी हिडमा की तरह छुपकर वार करने की कला में माहिर। खास बात यह है कि हिडमा की टीम में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी हैं। इतना खतरनाक होने के चलते हिडमा के ऊपर 40 लाख का इनाम रखा गया। कई नाम रखता है हिडमा। ये तो हम आपको बता चुके हैं कि पुलिस और सुरक्षा बलों के पास हिडमा की कोई ना तो लेटेस्ट तस्वीर है और ना ही उसकी कोई पुख्ता जानकारी मिलती। लेकिन माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी नक्सली हमले होते हैं, उनके पीछे हिडमा का ही हाथ होता है। हिडमा को लेकर एक और हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। बताया जाता है कि हिडमा के कई नाम। हिडमा के संगठन में उसे देवा और भीमा नाम से भी जाना जाता। सरेंडर कर चुके कुछ नक्सली बताते हैं कि संगठन में हर नक्सली नेता के कई कई नाम होते हैं। यहाँ है हिडमा का किला। वैसे तो हिडमा को लेकर सुरक्षा बलों के पास कोई पुख्ता जानकारी अभी नहीं, लेकिन बताया जाता है कि हिडमा सुकमा के पास की जगरगुंडा इलाके की पहाड़ियों पर रहता। इसी वजह से ये इलाका हिडमा का पसंदीदा इलाका है। चार चक्र के सुरक्षा घेरे में रहता है हिडमा। दरअसल हिडमा की सुरक्षा को लेकर कई तरह की बातें कही जाती, लेकिन सुरक्षा बलों की पकड़ से दूर रहने वाला हिडमा अपनी सुरक्षा को लेकर बड़ा सजग रहता है। बताया जाता है कि हिडमा चार लेयर के सुरक्षा घेरे में रहता। अपने इन लोगों के साथ हिडमा जगरगुंडा की पहाड़ियों पर अपने साथियों के साथ दुबका रहता। यह ऐसा इलाका माना जाता है जहाँ सुरक्षा बलों और पुलिस के लिए पहुंचना मुश्किल। आपको बता दें कि जब भी सुरक्षा बलों पर हमला होता है, तो नक्सली जवानों के हथियार लूट कर ले जाते हैं। इस मुठभेड़ में भी नक्सली जवानों के AK-47 लूट कर भाग गए। बताया जाता है कि AK-47 हिडमा का सबसे पसंदीदा हथियार। कहा जाता है कि हिडमा ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी राजे भी नक्सली, और वो भी हिडमा की तरह ही नक्सली डिविजनल कमिटी की सदस्य। हिडमा के साथ वो भी नक्सली हमले को लीड करती। हिडमा को लेकर कहा जाता है कि हिडमा एक हाथ में बंदूक और दूसरी में नोटबुक लेकर चलता। नोटबुक के जरिए हिडमा अपने गैंग के पढ़े लिखे साथियों से अंग्रेजी सीखता। इसके साथ ही उसकी एक और पहचान। बताया जाता है कि उसके बाएं हाथ की एक उंगली कटी हुई, और इसी पहचान के दम पर पुलिस और सुरक्षा बल उसे ढूंढ रहे। इन महीनों में हमले करते हैं नक्सली। आप लोगों के जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा, तो आपको बता दें, नक्सली ज्यादातर जनवरी से जून महीने के बीच हमले करते हैं। इन महीनों के बीच नक्सली सुरक्षा बलों को अपना निशाना बनाते हैं।
इन महीनों में हमला करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है। दरअसल इन महीनों के दौरान जंगल के पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों का छुप कर जाना मुश्किल होता। पत्तों के गिर जाने की वजह से नक्सली दूर बैठकर सुरक्षा बलों की हर गतिविधि पर नजर रख सकते हैं और फिर घात लगाकर हमला कर सकते हैं। पीछे भी नक्सलियों ने इन महीनों के दौरान सुरक्षा बलों पर हमला किया, तो ऐसी है हिडमा की पूरी कुंडली। आपका हिडमा के इस खबर को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।